नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं इंडिया पोस्ट, मैं हूँ आपके साथ मोहम्मद शोएब। चूंकि चुनाव आयोग ने बिगुल फूंक दिया है, आम चुनाव 2019 के लोकसभा चुनाव स्टार्ट होने वाले हैं और यह चुनाव 7 चरणों में होगा, तो आइए जानते हैं प्रयागराज की जनता, पूर्व के इलाहाबाद की जनता क्या कहना चाहती है। अभी यहाँ पे भाजपा का प्रत्याशी, सांसद का, या चाहे फूलपुर लोकसभा प्रत्याशी हो, चाहे वो इलाहाबाद संसदीय क्षेत्र के प्रत्याशी हो, या कांग्रेस पार्टी के, या फिर समाजवादी पार्टी के, या और पार्टियों के, अभी स्पष्ट यहाँ पे किसी को टिकट नहीं दिया गया। लेकिन फिर भी जनता से हम बात करते हैं कि वह प्रयागराज में इलाहाबाद संसदीय क्षेत्र से और फूलपुर संसदीय क्षेत्र से किसको चुनना चाहते हैं, उनकी पसंद क्या है और क्या है उनके मुद्दे। सीधे जनता से बात करते हैं, जानते हैं कि जनता की बात क्या है, जनता की आवाज़ क्या है। तो सबसे बात करते हैं, हमारे साथ है श्री मनोज जायसवाल जी, इनसे बात करते हैं। सर, क्या कहना है आपको, बताइए क्या चाहते हैं आप, ये बताइए। भाजपा सरकार 2019 में लोकसभा चुनाव जो स्टार्ट हो चुके हैं या अभी तो घोषणा हो चुकी है, तो आप किसको चाहते हैं कि यहाँ से लोकसभा प्रत्याशी के रूप में जीत के जो है संसद तक पहुँचे। अभी कैंडिडेट तो कोई खड़ा नहीं हुआ, मैं कैसे कह दूँ कि किसको मैं चाहूँ। क्या मुद्दा होगा यहाँ का, लोकल मुद्दा क्या होगा, यहाँ की जनता का मुद्दा क्या है, ये बताइए। भाजपा सरकार, यहाँ की लोकल जनता का मुद्दा क्या है यहाँ का? लोकल जनता की क्या मुद्दा है, अब क्या बताऊँ, यहाँ तो मुद्दा बहुत है। क्या मुद्दा है? वो सरोकार मुद्दा, सरोकार आप क्या है? बिजली पानी सड़क यही चाहिए, बस यही चाहिए, बिजली पानी सड़क। और कोई अच्छी बताइए, और क्या चाहने से, हमारे चाहने से कुछ मिलने वाला अभी है? तक जैसे कि आप यहाँ सांसद हैं इस समय प्रेजेंट टाइम में, ये इलाहाबाद संसदीय क्षेत्र में आता है कि फूलपुर में आता है आपके? ये इलाहाबाद संसदीय क्षेत्र, इलाहाबाद संसदीय क्षेत्र में, यानी श्यामा चरण गुप्त जी पर यहाँ से वो तो कब, हाँ, तो उनके विकास कार्यों से आप कितने संतुष्ट हैं? उनका विकास कार्य तो कुछ चला ही नहीं, कुछ नहीं। ये तो कुंभ, अगर 2019 में कुंभ ना आता तो इलाहाबाद में कुछ ना होता, उनके रहने से तो कुछ नहीं होने वाला था इलाहाबाद। वोट देकर जनता ने उन्हें संसद भवन तक, उनको किसने वोट दिया था? तो कितने नंबर आप देना चाहते हैं विकास के पथ पे, अगर वो काम किए हैं? वो उनको तो 0% में से कितना नंबर, जीरो, उनके लिए तो 0%। तो जनता कह रही है, जी जी बताइए, 2019 अगर कुंभ ना होता तो इलाहाबाद ना होता, जैसे था वैसे ही रह जाता। कुंभ से यही फायदा हुआ इलाहाबाद? हाँ, कुंभ से तो फायदा हुआ। तो सभी की बातें हमने बात की अभी, मिस्टर मनोज जायसवाल जी हैं जो कि मास्क से टूर एंड ट्रेवल्स के मालिक हैं, इनसे बात करते हैं। क्या कहना है आपको, बताइए भैया। इसका भैया आप तो बचपन के देखो कुल्ला हो, हमारे तो बचपन के है कुल्ला हो, बताओ। हम लोगों तो भाजपा के देते हैं। क्या चाहिए हो 2019 में, क्या मुद्दा है इलाहाबाद का, मुद्दा क्या है इलाहाबाद जनता का, मुद्दा क्या है? मुद्दा है कि मेले की स्थिति देखते हुए बढ़िया सब काम हो रहा था, सब बढ़िया से हुआ, ना कोई लड़ाई ना कोई झगड़ा हुआ। आपके जो सांसद हैं श्यामा चरण गुप्ता, श्यामा चरण गुप्ता जी को आप निकास किए गए कार्यों पे कितना नंबर देना चाहते हैं आप? आप बताइए, हम क्या बताएं भाई। राहुल गांधी कह रहे हैं कि चौकीदार चोर है, और मोदी जी कह रहे हैं कि मैं देश का चौकीदार हूँ, तो मोदी जी सही कह रहे हैं, मोदी जी सही कह रहे हैं, राहुल गांधी चोर हैं, देश को बेच के खा गए। किसी व्यक्ति में व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ, पूछना चाह रहा हूँ, जैसा कि राहुल गांधी ने कहा कि चौकीदार चोर है, उन्होंने नाम नहीं लिया, प्रधानमंत्री का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा चौकीदार चोर है, तो क्या लगता है आपको राहुल गांधी ने जो भाषा प्रधानमंत्री के लिए या चौकीदार के लिए इस्तेमाल किया है, क्या ये उनके लिए 2019 के इलेक्शन में घातक होगा कि नहीं? बिल्कुल घातक होगा, क्यों नहीं होगा? जब आप किसी को चोर बनाओगे तो आप से बड़ा चोर कौन होगा? प्रियंका गांधी कहती हैं कि चौकीदार अमीरों को होते हैं, गरीबों के पास चौकीदार नहीं होते, वो खुद की चौकीदारी करते हैं, इस पे क्या कहना है आपका? तो वो सही बात कहती है, वो गलत थोड़ी नहीं कह रही है। तो आप ही बताइए, आप पहले स्टैंड लीजिए ना, आप अभी कह रहे हैं कि राहुल गांधी गलत कह रहे हैं, मोदी राहुल गांधी क्या कह रहे हैं और प्रियंका क्या कह रही है, ये तो देखिए। तो आप दोनों में से, यानी प्रियंका गांधी सही कह रही है, बिल्कुल गलत कह रहे हैं, बिल्कुल गलत कह रहे हैं। अभी आज मोदी जी ने हैशटैग पे, ट्वीट पे आप किया, हैशटैग किया कि वोट करें, जनता से अपील की वोट करें, बढ़ चढ़ के जो है वोट करें, तो यह अपील जनता की जो उन्होंने किया हुआ है, यह जनता के ऊपर कितना प्रभाव डाल सकती है? बहुत प्रभाव डालेगी, कायदे से तो जनता को वोट करना चाहिए। इलाहाबाद का मेन मुद्दा इस बार क्या होगा इलेक्शन? मेन मुद्दा तो हमारी भाजपा ही आएगी आगे, वाजपेयी आएगी आगे, यानी मोदी सरकार जिस तरीके 2014 में कमाल किया था, 2019 में उस कमाल को दोहरा पाए, धमाल करेगी आपकी, किस बात पे आपकी धमाल करेगी? अभी चूंकि यहाँ से प्रत्याशी भंग नहीं हुए हैं, नहीं भाजपा ने किसी और, यहाँ से अगर एक चपरासी को भी खड़ा कर देंगे तो वो भी जीत जाएगा मोदी जी का? जी हाँ, ऐसा है। हाँ,
क्या लहर 2014 से 2019 में कायम रह पाएगी? बिल्कुल रहेगी। मेरा नाम विकास गोस्वामी, मध्य प्रदेश स्टेट डिस्ट्रिक्ट रीवा से हूँ। आप इलाहाबाद से नहीं है? इलाहाबाद से नहीं है। तो चूंकि चुनाव तो सभी जगह होने हैं, हाँ। इस बार 2019 में जो क्या मुद्दा है, इस बार मुद्दा इस बार मोदी जी ही है। तो मुद्दा क्या है, इलेक्शन का मेन मुद्दा क्या होगा, मोदी जी क्या चाहते हैं? बस जो है सारा विकास हो रहा है, आप क्या चाहिए? विकास खुश है, आप खुश हैं? नोटबंदी मोदी जी ने किया, उससे आप कितना प्रसन्न है? खूब प्रसन्न है। ये लाभ मिला कि हम गरीब हैं, ठीक है, लेकिन जो बड़ बड़ गवाह हैं, अमीर हैं, तो सारा माल इकट्ठा हुआ निकल आया, और क्या चाहिए, इससे ज्यादा खुशी क्या हो सकती है। बस मोदी जी बनेंगे, और कौन बनेगा? तो मोदी जी को आप चाहते हैं प्रधानमंत्री बनना? जी जी जी, भाजपा। क्या खासियत है मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं? पूरा खासियत सब दिखाई पड़ रहा है, सब आंखों से दिखाई। अरे आप सड़क देख लीजिए और ब्रिज देख लीजिए, जो भी उनका कार्य हो रहा है सारा कुछ अच्छे अच्छे हैं। बस सिर्फ एक ही चीज़ है उनका गड़बड़ है, गांव को नहीं सुधार पाए। गांव जिसे प्रधान हुए, कोटेदार हुआ, ब्लॉक प्रमुख हुआ, ये तो राज्य सरकार का, ये बस ये जब तक ये नहीं जाएगी, भ्रष्टाचार कभी नहीं खत्म होगी। अच्छा।